रसोई गैस सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की मार झेल रहे लोगों को अब टमाटर प्याज की कीमतें रुला रही हैं। सरसों के तेल की कीमत पहले ही घर की रसोई का बजट बिगाड़ रही थी। ऐसे में त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ रही कीमतें लोगों को झटके पर झटके दे रही है। डीजल पेट्रोल के साथ ही सीएनजी की आसमान छूती कीमतों तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बरसात के कारण फसलों को हुए नुकसान की वजह से शहर के थोक और खुदरा बाजारों में टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। सब्जी व्यापारियों की माने तो सब्जियों की थोक कीमतें 10 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो के बीच में वृद्धि हुई है। वहीं खुदरा बाजार में यह कीमत तकरीबन 15 से 20 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। सब्जी व्यापारियों ने संकेत दिया है कि अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो आने वाले हफ्तों में यह और महंगी हो सकती है। पासवान ने कहा, सप्लाई कम होने के कारण पिछले एक सप्ताह में सब्जियों के भाव में वृद्धि हुई है। हम थोक बाजारों में अधिक दरों पर सब्जियां खरीद रहे हैं, इसलिए खुदरा बाजारों में भी यह कीमतें तेजी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि इन सब्जियों की आपूर्ति की कमी होने से प्याज और टमाटर जैसी मुख्य सब्जियों के थोक भाव तकरीबन 10 से 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी सबसे ज्यादा प्याज और टमाटर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से आता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण वहां प्याज और टमाटर की फसल खराब हो गई, इससे आपूर्ति में कमी आई, इसलिए इन सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। व्यापारियों ने की माने तो अब प्याज का थोक भाव करीब 40 रुपए प्रति किलो है, जबकि टमाटर का भाव 25 रुपए किलो के टोकरे के लिए 900 रुपए प्रति टोकरा देना पड़ रहा है। आमतौर पर गाजीपुर मंडी में प्याज का थोक भाव तकरीबन 20 से 25 रुपए प्रति किलो हुआ करता था। इसी तरह टमाटर का थोक भाव 16 से 20 रुपए प्रति किलो के बीच हुआ करता था, जो अब 35 से 36 रुपए प्रति किलो हो गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली में मुख्य रूप से इंदौर से प्याज की आपूर्ति की जा रही है। ओखला मंडी में व्यापारियों का कहना है कि टमाटर और प्याज का दाम करीब 20 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले ओखला मंडी में प्याज का थोक भाव 20 रुपए प्रति किलो होता था, जो अब दोगुना हो गया है। ओखला मंडी में व्यापारियों ने कहा कि टमाटर का भी यही हाल है, क्योंकि अब यह 30 से 40 रुपए प्रति किलो के थोक भाव पर बिक रही है, जबकि पहले इसकी कीमत 15 से 20 रुपए प्रति किलो थी। व्यापारियों ने यह भी कहा कि दक्षिण भारत राज्यों में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण परिवहन की लागत बढ़कर सब्जियां महंगी हो गईं। यामीन ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए यहां उन वस्तुओं की दरें बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस स्थिति के पीछे यही एकमात्र कारण नहीं है। उन्होंने कहा, ईंधन की कीमतें, विशेष रूप से डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने के कारण सब्जियों के परिवहन की लागत बढ़ गई है, इसलिए आपूर्ति में कमी के साथ बढ़ी हुई परिवहन लागत अब थोक के साथ साथ खुदरा बाजारों में सब्जियों को महंगा करके अपना प्रभाव दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।